नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे, हमारी रेसिपीज की तरह। फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं लहसुन की चटनी, जो घर पे बहुत ही आसानी से बनाई जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप लहसुन की चटनी को मक्के की रोटी के साथ, बाजरे की रोटी के साथ, गेहूं की रोटी के साथ व दाल के साथ खा सकते हैं। लहसुन की चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर देखिए एक प्याज और दो साबुत लहसुन जो हमने छील लिया है, ये देखिए मैंने छील के रखा हुआ है, प्याज कट करके रखा हुआ है। इसके लिए मैंने लिया है काचरी पाउडर। अगर आपके पास काचरी पाउडर नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं या आधा नींबू भी ले सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और जीरा। फ्रेंड्स, इसमें हम हरा धनिया पाउडर यूज में नहीं लेते हैं, क्योंकि हरा धनिया पाउडर से लहसुन की चटनी खराब हो जाती है। अगर आप हरा धनिया पाउडर लहसुन की चटनी में नहीं डालते हैं तो इसको लंबे टाइम तक, ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन या उससे भी ज्यादा टाइम तक सेफ रखा जा सकता है। आप इसे कहीं सफर में भी ले जा सकते हैं या दूर देश की यात्रा पे जा रहे हैं तो भी आप इसको अपने साथ बना के ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम बनाते हैं। हमने इसके लिए मिक्सर की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने जार लिया है। जार में हम लहसुन डाल देंगे, प्याज भी डाल देंगे। देखिए मैंने इसमें लहसुन और प्याज दोनों चीज डाल दी हैं। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। फ्रेंड्स, एक चीज का आप ध्यान रखें, लहसुन की चटनी में मसाले तेज ही डाले जाते हैं। मैं यहाँ पे एक चम्मच नमक मैंने डाल दिया है, इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर भी ज्यादा डलता है सब्जी के अकॉर्डिंग। सब्जी में तो हम थोड़ा डालते हैं। देखिए हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5 से 3 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है। काचरी पाउडर भी हम 2 चम्मच डाल देंगे। अगर आप अमचूर ले रहे हैं तो अमचूर आप 1 ही चम्मच डालिएगा। पानी डाल लेंगे, ऐसे तो पिसेगा नहीं है, इसलिए हम इसमें आधा ग्लास पानी डाल लेंगे। ये देखिए मैंने आधा ग्लास पानी डाल लिया है। अब हम इसको पीस लेते हैं। फ्रेंड्स, जार मैंने मिक्सर में लगा दिया है। अब हम इसको पीस लेंगे। फ्रेंड्स, चटनी पिसकर तैयार है। जो लोग बिना फ्राई करे हुए चटनी खाना पसंद करते हैं वो इसको ऐसे ही रख सकते हैं, और जो लोग फ्राई करके पसंद करते हैं, आइए उनके लिए हम फ्राई करना बताते हैं। फ्रेंड्स, फ्राई करने के लिए हम पैन में या कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, जो भी रिफाइंड ऑयल आप यूज में लेते हैं। इसमें सब्जी से ज्यादा ऑयल डलेगा। देखिए मैंने यहां पर 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है। ऑयल को हम पकने देंगे। फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। अब हम इसमें पीसी हुई लहसुन की चटनी को डाल देंगे। हमने लहसुन की चटनी डाल दी है। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लहसुन की चटनी बिल्कुल तैयार है। जाली पड़ने लग गई है इसमें। फ्रेंड्स, बीच बीच में चलाते रहें, कहीं ऐसा ना हो चटनी नीचे लग जाए। चटनी बिल्कुल तैयार है, आइए सर्व करते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।